हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम H&M के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज मुझे ये H&M का पार्सल रिसीव हुआ है। यू कैन सी H&M, जिसका फुल फॉर्म है हेनेस एंड मॉन्टेज, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा जाना पहचाना और रेपुटेटेड ब्रांड है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको इनके डिस्काउंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। देख सकते हो मेरे पास दो पार्सल है, क्योंकि मैंने दो प्रोडक्ट्स मंगाए थे। एक है अपर वियर और दूसरा है लोअर वियर। अच्छा, चलो इनके डिस्काउंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर अपन इन प्रोडक्ट्स पे नज़र डालेंगे। तो डिस्काउंट्स की बात करते हैं। नंबर वन डिस्काउंट आपको मिलेगा मेंबर डिस्काउंट। तो सबसे पहले H&M का ऐप डाउनलोड कर लेना, आप अपने आप को एज ए मेंबर रजिस्टर्ड करना, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना, और उसके बाद ज्वाइन द मेंबरशिप करके ऐसा होगा। मेंबरशिप का बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। उनके मेंबर्स बन जाइए, जितने आप पॉइंट्स कमाएंगे वो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। पॉइंट्स कमाने से फ्री डिलीवरी भी मिलता है, डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता है। दूसरा है बर्थडे डिस्काउंट। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपको अपना बर्थडे डालने का, जैसे स्टारबक्स वाला ऑफर था ना बर्थडे वाला, सेम वही चीज़ है। H&M जिस दिन आपका बर्थडे होगा, H&M क्या करेगा, आपको ईमेल करेगा, मेल करेगा आपको, और आपको सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे विश करेगा, और उसके साथ साथ आपको देगा एक कूपन कोड जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आप अभी शॉपिंग करने जाने वाले हैं तो प्लीज़ मेरा रेफरल कोड, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको यूज़ कीजिए। उससे मुझे थोड़ा फंड मिलेगा, क्योंकि H&M हमें वैसे तो एफिलिएट लिंक नहीं देता है, लेकिन अगर आप पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिंक से जाइएगा और मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा। अगर तीसरे डिस्काउंट की बात करें, तीसरा डिस्काउंट है स्टूडेंट डिस्काउंट। तो तीसरे डिस्काउंट में आपको क्या होगा, आपको अपना आईडी कार्ड है ना, जो कॉलेज का स्कूल का आईडी कार्ड है, उसको यूनिडेज पे रजिस्टर कर लीजिए अपने आपको। यूनिडेज के ऐप में जाके H&M को सर्च कीजिए, या फिर आपको H&M का एक अलग से ही चैनल मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, आपको अपना एक आपको अपना एक कूपन कोड मिल जाएगा। और स्टूडेंट डिस्काउंट की बात करूँ तो हर 24 घंटे में आपको एक नया कोड मिलेगा। तो आप जब कितनी बार भी शॉपिंग करो, अनलिमिटेड कोड्स मिलने वाले, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। और बर्थडे डिस्काउंट में क्या था, वो पूरे साल में एक बार मिलता है, लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट आपको हर दिन मिलने वाला है। तो आप हर दिन 10% का ऑफ पा सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स पर। एक्चुअली क्या है, जैसे ही आप अपना ना आईडी बना लेंगे तो H&M के पास आपका मेल चला जाएगा, आप ऑटोमेटिकली ही उनके न्यूज़ लेटर से सब्सक्राइब हो जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो सब्सक्राइबर बनने से क्या होगा, सब्सक्राइबर से याद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 90% लोग मेरे कंटेंट को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो एनीवेज, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नए नए मेल्स आएंगे, जो भी नए नए ऑफर जो H&M निकालेगा उसका आपको मेल मिल जाएगा न्यूज़लेटर में। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब अपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किए थे यूट्यूब की वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा कि यार 3500 रुपये का बिल बैठ रहा, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी इधर से शॉपिंग किया नहीं था, पहले मैंने बी आवारा से शॉपिंग किया है, मैंने सॉल्ट स्टोर से शॉपिंग किया, पर फिर भी मेरा इतना बिल नहीं बैठा। तो आई वॉज लाइक कि यार ज़्यादा है। तो दो दिन बाद ही मुझे मेल आता है कि आज मेंबरशिप का डे है, मेंबर्स के लिए एक खास दिन है, तो वैसे तो ये लोग 10% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उस दिन मुझे मिला 15% का डिस्काउंट। तो मैं यही कहूँगा, अगर शॉपिंग नहीं भी कर रहे हैं तो अपने आप को एज ए मेंबर रजिस्टर कर लीजिए। रेफरल कोड मेरा है आपका डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसका यूज़ करेंगे तो इससे मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा होता है। कपड़ा, कपड़े में बिल्कुल भी कमी नहीं है, कपड़ा बहुत अच्छा है। ब्रांड जिस तरीके से पैसे ले रहा है, उसी तरीके का वैल्यू भी अपन को प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो एक बात बताओ, जब भी अपन मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो 1200-1300 रुपये का तो नॉर्मल रेंज होता ही है जीन्स का, और अगर खूब से खूब अच्छी, सबसे अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो 1500 तो अपन को देना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी अपन को कोई अश्योरेंस नहीं मिलता कि सही में कपड़ा उस लायक है जितना अपन ने पे किया है, क्या हमें उसकी उतनी वैल्यू प्रोवाइड होगी, क्या वो इतना वर्थ है। लेकिन H&M में हमने 100-200 रुपये ज़्यादा दे के मार्केट जितना प्राइस तो अपन ने दिया ही है, उसके साथ साथ अपन ने 100-200 क्यों दिया है, क्योंकि ब्रांड अपनी वैल्यू के पैसे ले रहा है, ब्रांड ने जो अपना इमेज बना रखा है ना उस चीज़ के पैसे ले रहा है। तो जो लोग हाइप मचा के रखे हैं ना कि H&M बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, हाँ उन्होंने एक दो बीच में ये उल्टे सीधे कपड़े लॉन्च किए थे, जिन पे हाँ H&M का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होता है। तो ब्रांड ये जानबूझ के करता है बार बार अपने आप को ट्रेंड में लाने में, इंटरनेट पे जैसे लोग उनको, नए नए लोग उनको देखें और उनके कस्टमर्स बढ़ें, इसलिए ब्रांड ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करता है। और ये क्रिंज करना चाहिए, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं ये चीज़।
तो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जिस भी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को HRM के बारे में जानना है तो उसके साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा चैनल का मिशन है आपकी शॉपिंग में पैसे बचाना, बग सेव करना, इसलिए ही हमारे चैनल का नाम बग सेवर है। आप भी बन सकते हैं हमारी ही तरह एक बग सेवर बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।